अभी हमारे साथ है झारखंड के ऐसे विधायक जिन्होंने अब तक जितना भी विधानसभा का चुनाव लड़ा है सारे चुनाव जीते हैं और छठी बार मुकाबले में हैं। आइए जानते हैं आखिर जीत की वजह क्या होती है। लगातार वो जीत रहे हैं, जीत का सिक्सर लगाने वाले हैं। प्रदीप जी बताइए आखिर क्या वजह है कि आपको लगातार कुड़िया की जनता का आपको प्यार मिलता है। वजह तो कोई बता नहीं सकता, अपने प्रयास को हम दोहरा सकते हैं कि हमने जो प्रयास किया है जनता की सेवा करने का है, जो माध्यम चुना है वो इतना ही है कि मेरा दरवाजा हम लोगों के लिए 24 घंटा खुला रहता है, जिसे आप कह सकते हैं 24x7x30x12x5 हम उपलब्ध हैं, मेरा पूरा परिवार उपलब्ध है। और हमें लगता है कि हम एक नेता के रूप में नहीं बिल्कुल उनके परिवार के सदस्य के रूप में हम काम करते हैं, और इसीलिए बड़ी ताल ठोक के मैं गर्व से कहा करता हूँ कि मैं इस क्षेत्र का नेता नहीं बेटा हूँ और उसी भाव से काम करता हूँ। और यह भाव, ये भावना आम लोगों को स्वीकार है, जिसका परिणाम है कि वो लगातार हमें पसंद करते हैं। जैसा कि आपने कहा कि मैं यहाँ का नेता नहीं बेटा हूँ, जाहिर सी बात है कोड़ियाहाट की जनता ने यह स्वीकार भी किया है, 5 बार ये प्रमाणित भी किया है। चुनौतियां क्या देखते हैं इस बार छठी बार जब चुनाव मैदान में? क्योंकि कोई भी चुनाव हो चुनौती तो रहेगा ही, आप सबको खुश नहीं कर सकते, आपके कामों को सब पसंद नहीं कर सकता, आपके दरवाजे पर सारे प्रकार के लोग आएंगे, गलत करने वाले, सही करने वाले, कुछ लोगों की आपके प्रति नाराजगी रहेगी, कुछ लोग कुछ सिद्धांत से बंधे रहते हैं लोग कि भाई जैसे आज हम कांग्रेस के सिद्धांत से जुड़े हुए हैं, धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रीयता जो हमारी पहचान है, कुछ लोग कट्टरवादी विचार से जुड़े हुए लोग रहते हैं, तो इस प्रकार से ग्रुप हो जाता है सामने, वो शक्ति चाहता है कि आपको परास्त करें। कुछ लोग झूठ सच बोल करके लोगों को भ्रमित करके भी वोट लेना चाहता है, कुछ लोग पैसों के बल पर वोट लेना चाहते हैं, ये सारी चीजें रहती है। इन सारी चुनौतियों का सामना लोकतांत्रिक तरीके से करना कठिन तो होता है। अभी लोकसभा में लोकतांत्रिक तरीके से अपना कदम बढ़ाया, लेकिन मेरी हर, क्योंकि जनता बड़ी भोली भाली होती है, लोग उसे भ्रमित कर देते हैं, लोग पक्ष में रहते हुए भी चुनाव हारता है, इसीलिए चुनाव जीतना ही अपने आप में एक चुनौती है, लोगों का वोट डलवाना एक चुनौती है। जो लोग आपको पसंद करते हैं वो अंतिम क्षण तक पसंद करते रह जाए, ये एक चुनौती है। और हमें लगता है कि इन सारी चुनौतियों को पार करते हुए फिर एक बार जनता हमें चुनेगी, छठी बार सेवा करने का अवसर प्रदान करें। इंडिया गठबंधन से बड़े नेता है, लगातार केंद्र सरकार पर आरोप लगाती है कि वो कुछ घरानों के नियंत्रण में है, और कहीं ना कहीं आप को लेकर भी ये मामला आया और बड़े घराने से आप लड़े और आपको जेल तक जानी पड़ी, तो क्या लगता है कि आप एक इंडिया गठबंधन के आइकॉन बन गए? अपने आप को मैं आइकॉन तो नहीं कह सकता, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि इस लड़ाई का एक सिपाही हूँ। जो लड़ाई है पूरे देश में है, चंद कॉर्पोरेट घराना अपना बाबा, चंद कॉर्पोरेट घराना अपना गरीब, चंद कॉर्पोरेट घराना बनाम किसान, चंद कॉर्पोरेट घराना बनाम आदिवासी, दलित, पिछड़ा, गरीब, उसमें से इस लड़ाई को लड़ने वाले जितने लोग हैं उसमें से एक सिपाही, ईमानदार सिपाही मैं हूँ, जिस लड़ाई को आप कह सकते हैं कि मैं उन सिपाहियों में से हूँ जिस प्रकार से देश की आज़ादी लड़ने में जो अगुआ बने थे, इस लड़ाई को लड़ने वालों में से, अगुआ में से मैं अपने आप को मानता हूँ। और यह लड़ाई जनता के सामने सबको स्वीकार था और सबका समर्थन भी था। कुड़ियाहाट की बात करें खासतौर से, तो कुछ कामों को गिनाना चाहेंगे जो आपको वहाँ की जनता स्नेह लगातार मिलता है, वो कौन से प्रमुख काम होंगे जिनको आप गिनाना चाहेंगे?
देखिए काम तो अनेकों है, और मैं बार बार कहा करता हूँ कि जो विकास है वो एक सतत प्रक्रिया है और समय के साथ आवश्यकताएं बदलती है, समय के साथ आवश्यकताओं में परिवर्तन होता है। आज एक एक हाथ में मोबाइल है, 20 साल पहले इसकी जरूरत लोग नहीं समझता थे, आज एक एक घर में टीवी है, एक एक घर में गैस चूल्हा है, एक एक घर में आप देख सकते हैं कि जो जरूरत है वो बदला है। आप जैसे लोग, हम जैसे लोग लालटेन और डिग्री में पढ़ा करते थे, आज लालटेन और डिग्री खोजने से नहीं मिलता। तो परिवर्तन समय के साथ होता है, विकास की आवश्यकताएं बदलती रहती है, लेकिन जो हमने किया वो सबके सामने है कि गाँव तक सड़कें नहीं थी, सब 90% गाँव तक हमने सड़क पहुंचाया, गाँव तक बिजली नहीं थी उन गाँवों तक पहुंचाया, एकाध हाई स्कूल हुआ करता था प्रखंड में, 2 हाई स्कूल, आज पंचायत पंचायत में हाई स्कूल की स्थापना हुई, प्लस टू 2 नए कॉलेज हमने, मॉडल कॉलेज, दूसरा सरियाट में भी कॉलेज, अभी इंजीनियरिंग कॉलेज का भी शुरुआत कराने वाले हैं जिसके भवन बन के तैयार है। यहाँ बीएड की पढ़ाई नहीं होती थी, हमने बीएड की पढ़ाई प्रारंभ कराई है। कई चीज़ें हैं, कई इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंडोर स्टेडियम बड़े बड़े शहरों में नहीं होता। आप पुड़िया हट जाएंगे तो आपको लगेगा कि ऊंचे दर्जे का इंडोर स्टेडियम है, बच्चों के लिए हमने चिल्ड्रन पार्क बनाए, कई चीज़ें हैं, खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए कई बड़े बड़े चेक डैम हैं जहाँ सालों भर पानी रहता है, किसान उससे अपने खेतों का पटवन करता है। तो दर्जनों सैकड़ों उदाहरण है जो गिनाने का है, लेकिन ये नहीं है। लेकिन मैं अपने आप को उपलब्धि यही मानता हूँ कि इन 25 वर्षों में भी लोग तो 5 वर्ष में ही अपने आप को बदल लेते हैं, हमने 25 वर्ष में भी अपने को नहीं बदला। जो मेरा लगाव था जनता के साथ सेवा करने के भाव को बनाए रखा, और हमने उस पंक्ति पर विश्वास किया कि पतंग आसमान पर तब उड़ेगा जब उसका धागा कटेल से बंधा रहेगा। तो मैंने ये विश्वास व्यक्त करने का प्रयास किया कि जब तक हम जनता के साथ हैं तब तक इस ऊंचाई पर है, वो भाव हमने बनाए रखा और लगता है यही मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि रही। कुछ आने वाले समय में रोड मैप या कुछ सोच के रखा है जो अब तक पूरा नहीं कर पाए, वो क्या है? सबसे हमारा कृषि प्रधान क्षेत्र है, रोजगार थोड़े कम है लोगों के हाथ में, हम प्रयास करेंगे कि कृषि आधारित थोड़े उद्योग बिठे, थोड़े और सिंचाई के साधन को हम कैसे बढ़ाएं, ये मेरा फोकस रहेगा। और थोड़ा एजुकेशन, ऐसे एजुकेशन जो लोगों को काम दे सके, जैसे बीटी कॉलेज हो जाए, का लोग जो बाहर जाते हैं आज बीटी के लिए, आईटीआई कॉलेज एक हमने चालू कराया है, दूसरा हो नहीं पाया, लोगों को टेक्निकली स्किल्ड हम कर पाए ताकि लोग रोजगार खोजने में लोगों को सुविधा हो, ये मेरी प्रायोरिटी होगी, ये मेरी प्राथमिकता होगी। तो सुना आपने, प्रदीप जी ने कहा कि मैं पुड़िया हट का नेता नहीं बेटा हूँ, और उम्मीद जताई कि जनता उन्हें छठी बार आशीर्वाद देगी। रंजीत राठौर, ईटीवी भारत, गुड़गांव।